कोकड़ा झाड़ था, यही बोड़ो आंदोलन था, यहीं पर समुदाय का समुदाय के साथ झगड़ा हुआ करता था, यहीं पर बंद, बम, ब्लॉकेड, स्ट्राइक, इसके लिए कोखरा झाड़ जाना जाता था। सारे देश में एक तरीके से आंदोलन की धरती बन गया था, तो वो कोखरा झाड़ बन गया था। और कांग्रेस मूक दर्शक भी थी और एक तरीके से भाई को भाई से लड़ाने में आपका योगदान भी था, वो लड़ाने का काम करती थी। लेकिन जैसा कि प्रमोद भाई ने कहा कि मोदी जी जैसा सक्षम नेतृत्व, निर्णय लेने वाला नेतृत्व, और अमित शाह जैसा चीजों को बारीकियों से जमीन पर उतारने वाले गृह मंत्री ने आपके यहां बोडो शांति, बोडो पीस अकॉर्ड, इसको साइन करके, हस्ताक्षर करके 27 तारीख को, जनवरी को 2020 में यहां बोडो भूमि पर शांति लाने का काम किया, तो मोदी जी के नेतृत्व ने किया, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। पूरे एक दशक तक आंदोलन चला और इस शांति अकॉर्ड के बाद लगभग 1615 लोगों ने सरेंडर किया और ये 21वीं शताब्दी का एक अच्छा पीस अकॉर्ड बन करके हम सबके बीच में आया। मैं उसके लिए यूपीपीएल के नेताओं को भी बधाई देता हूं, प्रमोद बोरो जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक सक्रिय भूमिका अदा की और एक सकारात्मक पॉजिटिव रोल जिसके नाश ये हंसता खेलता उल्लास के साथ हम बिहार के लोगों को देख रहे हैं, इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं।